आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो भी कक्षा 10 वाली केमिस्ट्री, जिसका आप लोगों को इंतजार था बेसब्री से। आज वो आपका दिन क्या हुआ पूरा हो गया है और आज हम लोग डिजायर पॉइंट पे केमिस्ट्री को क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज केमिस्ट्री जो हमारे पास में यहाँ सर है दोस्तों 10 की केमिस्ट्री में बच्चों हम लोगों को पढ़ना क्या है कि केमिस्ट्री हमारे पास में सर कैसे पढ़ें केमिस्ट्री ना कि हमको ज़्यादा इसमें आनंद आने लगे। तो दोस्तों क्लास 10th की आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। अब बच्चों अगर यहाँ से देखने पहला चैप्टर हमारा इसमें क्या दिया है, रासायनिक अभिक्रिया तथा यहाँ पर हमको क्या दे करके रखा है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं यहाँ से क्या दिया है, समीकरण दे करके रखा है। तो सर पहले क्या चैप्टर ही स्टार्ट कर देंगे, हमको समझाएंगे नहीं कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। हमने कहा बाबू कभी ऐसा हुआ है कि सौर ने डायरेक्ट चैप्टर को स्टार्ट कर दिया हो, कभी नहीं हुआ है। तो चलिए आइए पहले हम लोग देख करके चलते हैं कि हमारे पास में जो केमिस्ट्री हमको दे करके रखा है ये है क्या, केमिस्ट्री सर पढ़ाई क्यों जाती है, पहले हमको ये बता दीजिए। यदि आप 9th में बेहतरीन क्लास नहीं लिए हैं, शानदार तरीके से क्लास नहीं लिए हैं, तो हम लोग 10th में पूरे जानदार और शानदार के साथ एकदम क्लास लेने के लिए तैयार हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, ये हमारे पास में आज का टॉपिक ये है कि हमारे पास में कौन कौन सी क्लासें हो सकती हैं। आज देखिए सर 10 में हम लोग केमिस्ट्री से सर 9 में अच्छे तरीके से केमिस्ट्री पढ़ नहीं पाए हैं, आप थोड़ा हमको ये रिवीजन करवा दीजिए कि सर जो हमारे पास में केमिस्ट्री का टॉपिक है ना इसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। बच्चों आप लोग ये देखो, पहले आप लोग बाबू यहाँ से 10th में हो और जितने बच्चे यहाँ से क्या है 10th में हैं, इनके लिए जो साइंस का टॉपिक हमारे पास में आएगा, या तो मैं यूँ कहूँ बच्चों कि हमारे पास में जो क्या होगा, विज्ञान होगा। इसमें एक ही किताब होती है। अब बाबू अगर एक ही किताब के भीतर हम लोग देख करके चलते हैं कि जितनी चीज़ें हमारे पास में यहां से आएंगे ये सारी की सारी आप लोगों के पास में क्या होंगे, एक ही किताब के अंदर बच्चों आप लोगों को 3-3 सब्जेक्ट दिया गया होगा। अच्छा सर 3-3 सब्जेक्ट कौन होगा, हमने कहा एक ही किताब के अंदर बाबू आप लोगों को यहां से पढ़ना पड़ता है भौतिक विज्ञान, एक ही किताब के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना पड़ता है यहां से रसायन विज्ञान, एक ही किताब के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है आप लोगों को जीव विज्ञान पढ़ना पड़ता है। कहें सर बात तो एकदम आप पते की बता रहे हैं कि हमको एक ही किताब के अंदर ये सारी चीजें पढ़ लेनी पड़ती हैं। हम कि हाँ बाबू, तो इसका मतलब कक्षा 10 में आप लोग जो पढ़ करके आए हो विज्ञान की किताब के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं। एक तो हमारे पास में फिजिक्स है, दूसरा बच्चों क्या है केमिस्ट्री है, और तीसरा हमारे पास में क्या होता है, जीव विज्ञान होता है। कहें सर अगर फिजिक्स में हम लोग ज़्यादा मन लगा करके पढ़ लेते हैं ना तो बच्चों उसमें इंजीनियर बनना होता है, और हमने कहा कि अगर रसायन और जीव पढ़ लेते हैं तो डॉक्टर बनने की तैयारी हो जाती है। बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब डॉक्टर बनने की तैयारी है। तो हम लोगों को जाकर हमको डॉक्टर ज़्यादा बनना है तो रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को एकदम बेहतरीन तरीके से देख करके चलना पड़ता है, लेकिन फिजिक्स को भी छोड़ा नहीं जाता है, फिजिक्स भी आएगा। मतलब ज़्यादा फोकस हमारा क्या होता है, रसायन विज्ञान और क्या होता है, जीव विज्ञान के ऊपर होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ से रसायन विज्ञान स्टार्ट करके चलते हैं और इस बात को हम लोग अच्छे तरीके से देख करके चलते हैं कि रसायन विज्ञान में हमारे पास में है क्या। तो बच्चों जो रसायन विज्ञान हमारे पास में हमको देखना होता है क्या होता है रसायन विज्ञान। तो हमने कहा कि विज्ञान किसे कहा जाता है, पहले हम तो ये देखते हैं। तो विज्ञान का मतलब क्या होता है, देखो बाबू अगर यहाँ से हम लोग परिभाषा देख करके चलते हैं कि एक्चुअली में विज्ञान हमारे पास में क्या होता है, तो हमने कहा कि ना किसी भी प्रकार का अगर हमें विशेष ज्ञान होता है तो विशेष ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब बाबू ये भूल जाना, किसी भी क्रमबद्ध सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ऐसा आप लोगों के टीचर ने कुछ परिभाषा को बता करके रखा होगा। बाबू विज्ञान वो होता है किसी कार्य को हम अपने दिमाग में सोचें और उसका हम वास्तविकता में क्या करें, निर्माण कर दें। किसी वस्तु को करने के लिए अपने दिमाग में हम सोचें और वास्तविकता में उसका हम क्या करते हैं, निर्माण कर देंगे, तो वही हमारे पास में क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। इसका मतलब क्या, विज्ञान पहले चीजों को समझता है, सोचता है। अच्छा आप लोगों को यह पता होगा ना कि जेसीबी जो होती है, पहले जेसीबी कैसे बना दी गई, पहले जेसीबी को सोचा गया होगा ना हाथी को देख करके कि यार हाथी सूंड से पानी को क्या करता है, भरता है, अपने ऊपर डालता है और पूंछ से ऐसे ऐसे करके एकदम से क्या करता है, हिला करके धुल के नहा लेता है। कहीं यार अगर इसी तरीके से कोई मशीन बना दी जाए ना तो वो मशीन मिट्टी को क्या करेगी, खोदेगी, और मिट्टी को खोदने के बाद में जाने क्या करेगी, मतलब बहुत सारा लोगों का काम बचा सकती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जेसीबी किसकी देन होती है, तो हमने कहा कि जेसीबी देन किसकी है, साइंस की देन है, या हमने कहा कि और कोई, हमने कहा और तो कोई तो देने आया नहीं था जेसीबी, तो जेसीबी किसकी देन है, विज्ञान की देन होती है। तो जेसीबी को पहले दिमाग में सोचा और सोचने के बाद उसका वास्तविकता में क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। अब निर्माण हो गया तो हमने कहा कि ये हमारे पास में किसकी देन है, विज्ञान की देन होती है। चलो एक बात तो हमारे पास में ये समझ में आ गया कि विज्ञान के अंदर चीजें सोची जाती हैं। बाबू आपको विज्ञान के अंतर्गत रटा नहीं जाता है, चीजें क्या किया जाता है, सोचा जाता है। और मैं इस चीज की गारंटी देता हूं आप लोगों को कि चीजों को क्या करो, सोचो। देखो कक्षा 8 में आप लोग पढ़े होंगे, आपके पास में एक विज्ञान की किताब लगी होगी, आओ समझे विज्ञान। बच्चों इसमें क्या लिखा था, आओ समझे विज्ञान। बहुत पहले की बात है, ये जो किताब हुआ करती थी आओ समझे विज्ञान, इसमें ये तो नहीं लिखा गया था कि हमारे पास में क्या होता है आओ समझे विज्ञान, आओ रटे विज्ञान नहीं होता। इसमें क्या होता है आओ समझे विज्ञान, मतलब विज्ञान को समझना होता है। बच्चों अगर हम लोगों को विज्ञान पढ़ करके अच्छे से चलना है तो विज्ञान पढ़ने के पहले हम लोगों को सोचना पड़ेगा। मतलब जो चीजें मैं कहूं आप लोग बाबू इस पे कल्पना करो। मैंने कहा कि मान लो कि आपके हाथ में मैंने एक गेंद दे दिया, सर गेंद आ गई, हमने कहा गेंद को ऊपर फेंक दो, कहें सर फेंक दिए, हमने कहा अब कैच ले लो, सर गेंद को कैच ले लिया गया। तो विज्ञान में बाबू सोची जाती है, जितना चीजें आप लोग सोचोगे कल्पना करोगे, कल्पनाओं के ऊपर ही विज्ञान होता है। ठीक है, तो चीजों किसमें हमको सोचना बढ़िया से पड़ता है। तो अब यहां से हमको क्या होगा कि विज्ञान का जो हमारे पास में 3 टॉपिक है, विज्ञान किसे कहते हैं, किसी कार्य को अपने दिमाग में सोचें और सोचने के बाद में वास्तविकता में उसका हम निर्माण कर दें, वही हमारे पास में क्या कहलाता है, विज्ञान कहला देता है। चलो इतनी बात बराबर है। अब बाबू अच्छा हमको आप लोग ये बता करके देखो कि हमने कहा साइकिल किसकी देन होती है। अच्छा ध्यान से देख करके चलो, साइकिल किसकी देन होती है, तो हमने कहा कि साइकिल किसकी देन है, विज्ञान की देन है। अच्छा आपको पता है कि जो सबसे पहले पुरानी साइकिल बनाई गई थी, वो साइकिल कैसे बनाई गई थी, साइकिल का पिछला पहिया एकदम से क्या था, बड़ा था, और अगला पहिया एकदम से क्या था, छोटा था। और पिछला पहिया एकदम से बड़ा था, अगला पहिया एकदम से छोटा था। एका लोग पकड़ करके यहीं पर बैठ करके क्या करते थे, ऐसे पैर से धक्का मार करके चलाते थे। और जब पैर से धक्का मार करके चलाते थे, इसके ऊपर चढ़ करके ऐसे 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 क्या करते थे, पैर से ठेला करते थे। तो यही हमारे पास में साइकिल बनी थी ना। हम पैडल का पता ना तो चैन का पता। अब हमने कहा किसी को बैठा करके अगर इसके ऊपर जब घूमा करते थे ना, कहे यार का बताइए ऐसे बढ़िया तो हम पैदल घूम लेते हैं, तुम्हारी साइकिल तो बहुत बेकार है यार। देखिए मतलब साइकिल जो सबसे पहले बनाई गई थी, इसका पिछला चक्का क्या था, बड़ा था, अगला चक्का क्या था, छोटा था। इसका मतलब पहिया पिछले वाला बड़ा था, अगला वाला पहिया बहुत ज्यादा छोटा था। तो लेकिन किसी ने दिमाग लगाया होगा ना कि मतलब साइकिल को बनाते 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 ऐसा कुछ कर दिया गया कि आज की मॉडर्न साइंस की साइकिल देखो। इसका मतलब उस जमाने में भी जो साइकिल बनी थी ना, ये साइकिल किसकी देन रही होगी, तो हमने कहा विज्ञान की। किसकी देन है, विज्ञान की। आज की साइकिल देखो, इलेक्ट्रिक साइकिल आ गई है, तो विज्ञान ने ही तो चमत्कार उसके बारे में किया है। तो विज्ञान अगर रहेगा तो सब चीजों पर एकदम धुआं धुआं चमत्कार चमत्कार एकदम करते हुए चला रहता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि विज्ञान क्या है, चमत्कार है। विज्ञान क्या है बाबू, चमत्कार होता है। तो अच्छा ये देखो साइकिल बनाई गई थी, तो हमने कहा साइकिल का, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम पर जो हमारे पास में साइकिल आई हुई है, ये कौन सी साइकिल आ गई है, तो हमने कहा कि मॉडर्न टाइम पर जो हमारे पास में यहां से साइकिल आई हुई है, ये साइकिल क्या हो गई है, बहुत ज्यादा छोटी हो गई है। ध्यान से देखो, ये हमारे पास में साइकिल है, ये पहले वाली साइकिल हो गई है। अब हमने कहा कि आज के टाइम की जो हमारे पास में साइकिलें बनाई गई है ना बाबू, ये पुरानी साइकिल है। आज के टाइम की साइकिलें इतनी बेहतरीन बना दी गई हैं कि ये हमारे पास में आज के टाइम की क्या होती है, साइकिलें होती हैं। और ये हमारे साइकिल की क्या होती है, सीट होती है। और ये साइकिल में क्या लगा होता है, पहिया लगा होता है। और ये साइकिल के ऊपर क्या लगा होगा, चैन लगा होगा। इस साइकिल को लेकर के यहीं पर क्या होता है, हैंडल लगा होगा, कांच बढ़िया लेकर के एकदम से क्या करते हैं, चांदी की साइकिल, सोने की सीट। ये हमारे पास में साइकिल यहां पर लेकर के चलेंगे। इसका मतलब ये आजकल की साइकिल हमारे पास में इलेक्ट्रिक साइकिल हमारे पास में हो जाती है। कई कई लोगों की साइकिल में शीशा लगा होता है। अब बताओ, तो इसका मतलब ये साइकिल किसकी देन है बाबू, तो कह रहे हैं कि साइकिल किसकी देन होती है, विज्ञान की देन है। साइकिल किसकी देन होती है, विज्ञान की। तो हमने कहा साइकिल को बनाने से पहले बाबू चीजों को दिमाग में सोचे होंगे, और सोचने के बाद उस चीज का वास्तविकता में निर्माण कर दिया गया। तो ये हमारे पास में क्या होता है, विज्ञान होता है। हमने कहा कि डिजिटल बोर्ड ही बना है, आप लोग इसी को देख करके चलो। पहले सोचे होंगे ना कि यार बच्चों को बढ़िया चित्र दिखाया जाए, किया जाए, सब कुछ किया जाए, तो यही डिजिटल बोर्ड का निर्माण कर दिया गया। अब डिजिटल बोर्ड का निर्माण कोई राजगीर थोड़ी किया है, विज्ञान ने ही किया है। क्या किया है, विज्ञान ने ही इसका निर्माण किया है। तो चलो बाबू अब हम लोग बिना देरी के चीजों को सीख करके चलते हैं कि हमारे पास में रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान किसे कहा जाता है। हमने यहां से देख लिया कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। अगर आपके सामने कोई ये कहता है कि रसायन विज्ञान क्या होता है, तो हम लोग बाबू यहां से देख करके चलते हैं कि विज्ञान नाम का एक हमारे पास में पेड़ होता है। क्या होता है, आप सभी लोगों को पता होगा कि आपके पास में विज्ञान नाम का एक क्या होगा, पेड़ होता है। अब इस विज्ञान नाम का जो पेड़ होगा इसे हमने कहा कि विज्ञान नाम का पेड़ है। अब विज्ञान नाम के पेड़ में बाबू 3 प्रकार की शाखाएं निकली होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की इसके अंदर शाखाएं निकली होती हैं। एक शाखा हमारे पास में ये हो जाती है और यहीं पर कह रहा है कि दूसरी शाखा जो इसकी होती है हमारे पास में ये हो जाएगी, और यहीं से कह रहा है कि जो इसकी तीसरी शाखा हमारे पास में होती है, विज्ञान की तीसरी शाखा हमारे पास में ये आ जाती है। अब बताओ जो विज्ञान नाम का पेड़ हमारे पास में उपज रहा है, इस विज्ञान नाम के पेड़ में 3 प्रकार की शाखाएं हमारे पास में होती हैं। इस वाली शाखा में बच्चों हमारे पास को बोलते हैं भौतिक। क्या बोलते हैं? इस शाखा को बोलते हैं भौतिक, और इस वाली शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं? रसायन बोला जाता है। ध्यान से देख करके चलो, इस शाखा को अगर हम लोगों को बोलेगा तो इस शाखा को क्या बोलते हैं? रसायन बोला जाता है। और हमने कहा कि इस वाली शाखा को अगर हम लोग यहां से ले लेंगे तो इस वाली शाखा को बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोला जाता है? इस वाली शाखा को बोला जाता है जीव। और लेकिन कह रहा कि ये जो हमारे पास में ये वाला पेड़ होता है, ये पेड़ किसका होता है? विज्ञान नाम का पेड़ होता है। किसका पेड़ होता है? विज्ञान का पेड़ होता है। तो विज्ञान के पेड़ में 3 प्रकार की शाखाएं हैं। एक तो है भौतिक विज्ञान, एक क्या है? रसायन विज्ञान, एक क्या होता है? जीव विज्ञान। तो हमने कहा कि अच्छा आप लोग ये बताओ कि जीव विज्ञान रसायन विज्ञान होता क्या है? तो हमने कहा कि विज्ञान की वह शाखा, ध्यान से देख करके चलना बाबू, क्या बोला? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान कहा जाता है। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान कहा जाता है। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सा फल लगेगा सर ये बता दीजिए। हमने कहा कि इसके अंदर क्या लगता है? ठोस का अध्ययन करते हैं, इसके अंदर द्रव का अध्ययन करते हैं, इसके अंदर किसका अध्ययन करते हैं? गैस का अध्ययन किया जाता है। और कौन सा फल लगता है? हमने कहा कि इसके अंतर्गत कार्बन का अध्ययन किया जाता है, और किसका अध्ययन करते हैं? तेजाब का अध्ययन करते हैं, और किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन किया जाता है। तो बाबू हमको केवल ये पढ़ना है कि विज्ञान नाम का एक बहुत बड़ा क्या होता है? पेड़ होता है, और उसमें 3 शाखाएं निकली हैं। तो बहुत सारा विज्ञान, लेकिन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको कितना समझ के चलना है? 3, कि हमारे पास में रसायन विज्ञान होता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाएगा, इन सभी पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? इन सारे के सारे पदार्थों को बोला जाएगा रासायनिक पदार्थ बोला जाता है। तो हमने कहा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थ का अध्ययन किया जाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान कहा जाता है। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान कहा जाता है। तो बाबू एक बात अच्छे से समझ करके चलो, बढ़िया धाकड़ समझ के चलो कि विज्ञान के रसायन विज्ञान क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा, ध्यान से देख करके चलो, ये है विज्ञान की हमारे पास में शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान कहा जाता है। बाबू क्या बोलेंगे? रसायन विज्ञान कहा जाता है। बोलो चीजें इतनी समझ में आ रही हैं? हमने कहा सर बिल्कुल आएंगे बाबू, आप लोग चैनल पर बने रहो, आपको समझाना हमारा काम है, लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जब तक दिमाग में ठूसेंगे नहीं तब तक हम लोग यहां से डिजायर पॉइंट से जाने वाले हैं नहीं। जब तक आपके समझ में आज ना आ जाए, एकदम धुआंधार खुल करके कमेंट करो, जो दिल में आए बाबू आप लोग वो क्वेश्चन करो। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा चीजों को हम समझा पाएंगे। जब आप क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो कैसे समझा जा सकता है चीजों को? तो बाबू चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझाओ और समझो, और हमसे क्या करो? पूछो आप लोग, ठीक है? और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, आप यदि एक बार लेक्चर पूरे तरीके से देख लेते हो, आप अपनी नोट्स अपने हाथ से बनाओ। अगर नोट्स को लिख ना पाना तो आप हमें बताना। क्या बोलेंगे? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करें उन्हें क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान कहा जाता है। बोलो इतनी बात आज समझ में आ गई है। अब रसायन विज्ञान बाबू हमारे कक्षा 10 का है, तो कक्षा 10 में जो भी रसायन विज्ञान हमारे पास में चल रही है, इस रसायन विज्ञान में कितने चैप्टर हम लोगों को पढ़ करके चलने हैं? तो हमने कहा कि कितने चैप्टर हमको पढ़ने हैं, तो अभी जो आपके सिलेबस में दिया गया है, तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आपके एक किताब में आपको टोटल कितने चैप्टर पढ़ के चलने हैं? पहला चैप्टर इसमें आपको पढ़ करके चलना है हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान से देख करके चलो बाबू, इसमें पहला चैप्टर हम लोगों को क्या दिया है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसका मतलब ये हमारे पास में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। और यहाँ से एवं क्या दे करके रखा है, हम लोगों को समीकरण दिया है। और यहीं से जो दूसरा वाला हम लोगों को दे करके रखा है, ये दूसरा चैप्टर बाबू यहाँ से दिया है अम्ल, और उसके बाद में यहाँ से दे करके रखा है क्षारक, और तथा हम लोगों के यहीं से क्या दिया है, लवण दे करके रखा है। इसका मतलब कह रहा है कि अम्ल, क्षारक तथा क्या होगा, लवण दिया है। और तीसरा चैप्टर जो हमारे अंदर दे करके रखा है वो हमें धातु और अधातु दिया है। क्या दिया है, धातु तथा अधातु नाम का हमको इसमें क्या दिया है, चैप्टर दे करके रखा है। और यहां से चौथा वाला जो चैप्टर होगा बाबू ये है कार्बन के यौगिक। क्या दिया है, कार्बन के यौगिक नाम का हमको इसमें चैप्टर दिया है। इसका मतलब इसमें कार्बन के यौगिकों का हमें अध्ययन करके चलना है या कार्बन से संबंधित यौगिकों का अध्ययन करके चलना है। तो ठीक, तो अब हम लोग इन चारों चैप्टरों को बढ़िया से क्या करेंगे, चैप्टर वाइज एक एक करके हम लोग देख करके चलेंगे। और पहला चैप्टर आज हमारे पास में स्टार्ट हो रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हमारे पास में स्टार्ट हो रहा है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास धमाकेदार एकदम हो रही है, तो चलते हैं देरी ना करते हुए आज की पहली क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रसायन विज्ञान हमारे पास में दे करके रखा है और बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत हमारे पास में क्या क्या हो सकती हैं। चलिए देरी ना करते हुए चीजों को हम लोग क्या करते हैं, समझ करके चलते हैं। ठीक है, अब यहां से बाबू हमारे पास में आज का क्लास क्या होगा, कह रहे कि रसायन विज्ञान, इस चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले हमको ये बता दीजिए। अच्छा बाबू देखो, इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि कोई पदार्थ होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है। जैसे हमने कहा चीनी और पानी को मिला दिया तो आपको पता है कि शरबत बनेगा। चीनी और पानी को मिलाया तो क्या बनेगा, शरबत बनेगा। इसको आप बचपन से प्रयोग करते हुए आए हो। लेकिन हमने कहा कि पानी और साबुन को यदि हम मिला देते हैं या घोल देते हैं तो क्या बनता है, इसके बारे में बता पाना क्या होता है, ज्यादा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि चीनी और पानी हमेशा बचपन से आपको बताया गया है कि ये शरबत होता है। लेकिन क्या और कुछ उसके बारे में बताया गया है? हमने कहा कि चीनी को जब पानी में मिलाते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है, ऐसा क्यों, चीनी में ऐसा क्या डाला गया है, कि चीनी में ऐसा क्या मिला हुआ है, या चीनी में ऐसा कौन सा कारक उपस्थित है कि चीनी को जब पानी में डालते हैं तो हल्का सा जो शरबत होता है वो ठंडा हो जाता है। इसलिए ठंडी चीजें ही तो गर्मी में पी जाती हैं। आजकल जगह जगह दुकान पर जहां पर आप लोग देखोगे, हर रोड से जहां पर गुजरोगे वहां पर गन्ने का जूस मिलता है, वहां पर शिकंजी बना करके पिलाते हैं। ऐसा क्यों होता है गर्मियों के दिनों में? आजकल गर्मी का टाइम चल रहा है और इसी टाइम पर हम लोगों की सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसका मतलब इस चैप्टर में हमें कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देते हैं, बहुत सारे पदार्थों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, यही हमको देख करके चलना है। तो बाबू इस प्रश्नावली में पहले आपको यहां से ये देख करके चलना पड़ेगा, जैसे कह रहा है कि कई सारे पदार्थों को आपस में हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि मतलब अभिक्रियाएं हमको इसके अंतर्गत पढ़नी है। इस चैप्टर में केवल आपको एक चीज पढ़ करके चलना है और विधिवत तरीके से आप को मजबूत करके चलना है, वो भी क्या पढ़ना है, अभिक्रिया हमको पढ़ करके चलना है। इसका मतलब हमने कहा कि अभिक्रियाएं जो होंगी ये पदार्थों को बहुत सारे मिलाने के कारण होंगी। अब पदार्थों को हमको यहां पे क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहां से हमको पदार्थों को क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ेगा बाबू। तो चले, तो अब कह रहा है कि जैसे यहां पर हम लोग ले लेते हैं कि बच्चा कि हमारे पास में क्या होगा, एक पानी होगी और एक हमारे पास में क्या होती है, चीनी होती है। तो इन चीनी और पानी को बाबू हम लोग मिला देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों, बताओ क्या कहते हैं, शरबत कहते हैं नहीं कहते? अब बताओ, शरबत तो पीना सबको पसंद होता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जितने होते हैं क्या कहते हैं ना, हमका एक ग्लास पूरा का पूरा चाहिए तो पूरा पियेंगे, नहीं तो हम पिब्बा ही नहीं करेंगे, जाओ नहीं पियेंगे शरबत, यही कहते हो ना। बचपन में अपन भी बहुत ज्यादा किया करते थे कि हमको चाहिए तो पूरा का पूरा ग्लास चाहिए, हमको आधा नहीं चाहिए। आधी चीजें हमको क्या होती हैं, नहीं पसंद होती हैं बच्चों। चलो अब आगे देख करके चलते हैं, पानी और चीनी का मिश्रण क्या होगा, ये कहला देगा। हमने कहा कि कभी आप लोग घर में देखते हो मम्मी क्या करती हैं, जब सब्जी बनाती हैं तो सब्जी के अंदर क्या डालती हैं, मसाला डालती हैं। बच्चों सब्जी के अंदर क्या डालती हैं, मसाला डाल देती हैं, मसाला लिख दिया सब्जी के अंदर जो मम्मी लोग बनाती हैं तो उसमें क्या डाला जाता है, मसाला डाला जाता है। इसका मतलब सब्जी के अंदर भी कोई ना कोई क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। सब्जी के अंदर क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। हमने कहा कि हम लोग सुबह खाना खाते हैं और खाना गया पेट में, तो सुबह खाना क्या गया, निकल गया। अब बताओ इसका मतलब पेटवा में कोई मशीन लगी है जो पीस करके पेस्ट बना देती है, तो इसका मतलब वो खाना होगा। तो इसका मतलब खाना अगर है बच्चों, तो इसका मतलब वो ऐसा क्या रीजन हो गया है कि जिसकी वजह से ये सारी चीजें ऐसी हो गई, तो पेट में कोई ना कोई अभिक्रिया हुई होगी। तो इसका मतलब इस चैप्टर में हमें बाबू यही पढ़ करके चलना है कि अभिक्रियाएं हमारे पास में क्या होती हैं और अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर कोई आपको बोलेगा कि सर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, पहले हमको आप ये बता दो कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो हमने कहा कि बाबू हमेशा अभिक्रिया अगर आपको कभी भी देता है ना, तो अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। अच्छा सर कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, तो हमने कहा कि पहले अगर आप लोग यहां से लेकर के देख के चलोगे तो पहला हमारे पास में क्या होता है, भौतिक अभिक्रिया होती है। बाबू पहली कौन सी अभिक्रिया होती है, तो पहली वाले को बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया और दूसरे वाले को हम लोग यहां से क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। तो इसका मतलब दूसरी अभिक्रिया कौन सी है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। सर भौतिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यदि आप ये चीजें हमको बता दें तो बहुत ज्यादा हमको सर अच्छा क्लियर हो जाएगा। आप दोनों चीजों को क्या करिए, एक बार सर हमको बता दीजिए कि चीजें हमारे पास में क्या बन करके जाएंगे। हमने कहा कि अभिक्रियाएं बच्चा कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक भौतिक अभिक्रिया होती है, एक क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसका मतलब पदार्थों को जब आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। जब पदार्थों को आपस में मिलाया जाए, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाए, जब किसी नई चीज का निर्माण हो जाता है, जो बनने वाली तीसरी चीज हो वो नई चीज का निर्माण हो जाता है, तब उसे हम लोग बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया। और नई चीज जो बनती है इसके गुण में नया परिवर्तन आना चाहिए। तो बाबू यहां से हमारे पास में क्या होगा, ये हो गई हमारे पास में क्या, भौतिक अभिक्रिया और ये हो गई हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया। सर इसका हमें क्या होगा, हमने कहा कि बाबू आज की क्लास हम लोगों के स्टार्ट हो चुकी है। अब भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हो सकती हैं, इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। बच्चे सभी लोग लेक्चर पर क्या करें, बने रहें और भौतिक अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं, चैप्टर एकदम शानदार तरीके से स्टार्ट हो गया है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों आप लोग शेयर कर दो और नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। बच्चों अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, एकदम से स्वस्थ रहो। चलते हैं, जय हिंद।